सब्सक्राइब करें टेक सर्वाइवल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है एहसन अली और आप देख रहे हैं टेक सर्वाइवल। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ Redmi Note 6 Pro डिवाइस के बारे में। इसकी जो MIUI 10 2.2.0 की जो अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हुई है, आज इस बारे में हम इसके जो चेंज लॉग है उसके बारे में बात कर लेते हैं डिटेल के साथ। और मैं आपके सामने चेंज लॉग शो करूंगा और आपको बताऊंगा कि इसमें हमें क्या क्या देखने को मिला है। हालांकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली, छोटी सी वीडियो होगी और इसके साथ मैं आपको इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको आज एक बात कहना चाहूंगा, अगर तो आपको Q&A वीडियो चाहिए, अगर तो आप ये चाहते हैं कि भाई हमारे जो कमेंट्स वगैरह हम आपसे सवाल पूछते हैं, आप हमें संडे के दिन जो Q&A वीडियो होती है वो बनाकर हमें दें, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैं आपके लिए बनाऊं या नहीं। तो आप मुझे कमेंट में इसका रिप्लाई जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी यही सोच रहा हूं कि भाई आपको आई थिंक मुझे Q&A वीडियो बनाकर देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस बारे में आप मुझे कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहता हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, अब यहां पर बात कर लेते हैं सबसे पहले इस अपडेट के बारे में। भाई यहां पर हमें बताया जा रहा है भाई ये जो अपडेट है ये अब रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो गई है। और उसके बाद फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपके सामने इसका जो चेंज लॉग, एक तो नहीं ये पूरा चेंज लॉग तो नहीं है, ये सिर्फ सिस्टम है, हमें सिर्फ बताया जा रहा है कि भाई हमें एक इसकी जो सिक्योरिटी पेचेस यही देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मैं इसको साइड पे कर रहा हूँ और उसके बाद स्टेबल की जो MBs है वो है 258, मतलब कि ये 258 MB की है। और उसके साथ एंड्रॉयड ये जो है 10.2.2.0 और ये ओरियो की बेस पर है। और उसके साथ फ्रेंड, नीचे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके साथ फ्रेंड्स, ये जो अपडेट है ये स्टेबल बीटा अपडेट जो कि कुछ ही यूज़र्स को मिली है, ये सभी यूज़र्स को नहीं मिली। तो अगर आप ये सोच रहे कि भाई ये स्टेबल बीटा अपडेट क्या है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो स्टेबल बीटा अपडेट है ये एक तरह से पहले कुछ ही यूज़र्स को दी जाती है और आहिस्ता 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 करके सभी यूज़र्स को दी जाती है, एक ही साथ सब यूज़र्स को नहीं दी जाती। और इस अपडेट को रोल आउट होने में 10-15 दिन लग जाते हैं। और उसके साथ फ्रेंड्स मैं आपको बताता चलूँ कि इस अपडेट में हमें एक तो हमें सिक्योरिटी पेज देखने को न्यू मिलेगा। और उसके बाद अगर हम इसके चेंज लॉग के बारे में बात करें तो यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज फ्रेंड्स मैं आपको यहां बताता चलूं, हमारे ज्यादा हमें कुछ नया देखने को तो नहीं मिला, हमें कुछ मतलब चेंजेस भी नहीं देखने को मिले, सिर्फ हमें इंप्रूवमेंट्स देखने के मिली हैं। जहां तक कि अगर हिसाब लगाया जो यहां हमें फेस अनलॉक जो है, हम एक तरह से हम फेस अनलॉक तो सभी यूज करते हैं, फेस अनलॉक मतलब कि उसे इंप्रूव किया गया है जो कि अब वर्किंग फाइन कर रहा है, मतलब सही से वर्क कर रहा है। उसके साथ फिंगरप्रिंट जो है, फिंगरप्रिंट अनलॉक जाहिर सी बात है फिंगरप्रिंट अनलॉक तो सभी यूज करते हैं वो भी, और ये भी एक तरह से मर के वर्किंग अब सही कर रहा है। उसके साथ पबजी गेम इज़ वर्किंग स्मूथली, मतलब ये पबजी गेम है उसे भी एक तरह से थोड़ा सा इंप्रूव किया गया है। और अगर तो आप ये सोच रहे हैं कि भाई HD पबजी हमें इसमें देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर हमें बता दिया गया है कि भाई हमें पबजी HD में नहीं देखने को मिलेगा। और अगर आप कैमरा ऐप में ये ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि भाई Full HD 60 FPS, मतलब फिर 60 FPS का Full HD आप ढूंढ रहे हैं ऑप्शन, तो यहाँ पर हमें ये भी नहीं देखने को मिलेगा। और कैमरा में आप अगर तो आप ये सोच रहे हैं कि मैं 4K वीडियो बनाऊंगा 30 FPS पर, तो यहां पर हमें यह भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलने वाला। बस इसमें इस अपडेट, ये एक नॉर्मल सी अपडेट है जिसमें हमारे लिए सिर्फ इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर हमें ऊपर भी लिखा गया है कि भाई हमारे लिए इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं, और नीचे भी हमारे लिए यही लिखा गया है कि भाई हमारे लिए इंप्रूवमेंट्स ही ज्यादा किए गए हैं। और यहां पर लिखा गया है इट डज नॉट ब्रिंग एनी न्यू फीचर, यहां पर हमारे लिए कोई नया फीचर नहीं लाया गया है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये जो वीडियो है, मैंने सोचा कि फ्रेंड्स ये एक तरह से मीडियो तो मामूल सी है, मैंने बोला आपके साथ शेयर करता चलूँ कि भाई इसकी इन्फॉर्मेशन। तो उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, आपने मुझे Q&A वीडियो का जरूर रिप्लाई करना है कि आपको चाहिए या नहीं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।